वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसा टोटका लेके आई हूँ जो हमारी किचन की औरतें हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। हम सिल्वर की पतीली में आलू बॉईल कर लें या कुछ कोई भी चीज़ इसमें बॉईल करते हैं तो इसके नीचे एक ब्लैक सा रोंग सा आ जाता है। ये आप जैसे देख रहे हैं कि एक ब्लैक सा नीचे एक लेयर सी बन जाती है, ब्लैक सी, जो साफ़ करनी बहुत ही मुश्किल होती है। तो मैं आज आपको एक ऐसे तरीके से बताऊंगी, ये बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकती हैं। ये देखिए, घर में कोई भी मेडिसिन पड़ी होती है, ओल्ड मेडिसिन जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, आपने फेंक देनी है, इसको हम इसकी मदद से हम ये इसके अंदर जो ये ब्लैक सा हो गया है इससे हम इसको उतारेंगे। ये देखिए, हम इसको मेडिसिन को इस तरह ले लेते हैं। कोई भी बड़ी है, छोटी है, कोई भी मेडिसिन आपके पास है तो आपने इस तरह ले के तो उसको अपने तोड़ी के अंदर ऐसे कूट लेना है। ऐसे ये दो मिनटों में बहुत बारीक हो जाएगी। ये देखें, ये देखिए, ये बारीक हो गई है। अब इसकी मदद से हम अपनी पतीली को इस तरह साफ़ करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैं मेडिसिन को अपने इसके ऊपर फोम के ऊपर लगा लिया है और इसके अंदर हम इस तरह को मलना शुरू करेंगे। ये आस्ता आस्ता इसकी देखिए झाग बन गई थी और हमारी पतीली जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, इस पर ज़्यादा हमें ना मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, इस पर ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी आसानी से हम इसको ऐसे अच्छी तरह से, अगर बड़ी गोली है तो आप इसको हाफ ले एक ले सकते हैं, अगर छोटी है तो आप इसको दो ले सकते हैं। तो इस तरह करने से आपकी पतीली जो है बहुत ही अच्छी तरह साफ हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह हम अपने पतीले को अच्छी तरह से साफ करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ब्लैक ब्लैक सा अंदर कलर हो गया है। मैं अब आपको साफ़ करके दिखाती हूँ इसको। यहाँ हमारे पानी का इंतज़ाम अभी पास नहीं है तो इसलिए मैं आपको साफ़ करके ही दिखाऊंगी। ये देखें, ये देखिए, हमारी पतीली बिल्कुल एक साफ़ और बिल्कुल नई पतीली की तरह हो गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ तेल की जो पतीली होती है ऐसे सेक लगने से ऐसे ख़राब सी हो जाती है, तो ये भी साफ़ करनी मुश्किल होती है। इससे भी हम इसको भी हम मेडिसिन से ही साफ़ करके दिखाएंगे। सेक सा लग जाता है तो पतीली जो है वो जल जाती है, तो इसका भी हम आपको तरीका बता रहे हैं। ये तो ओल्ड में जो होती है हमने ज़ाया होती है, हम इसको फेंकते हैं, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह अपने काम ला सकते हैं। तो अगर आपके पास कूटने के लिए कुछ और नहीं है तो आप कागज़ के अंदर भी रखकर इसको इस तरह बारीक बारीक कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक हो गई है। अब हम इसको अपने फॉर्म के ऊपर लगा लेते हैं, ऐसे हम इसको अपने फॉर्म पे लगा लेते हैं, मेडिसिन को मेडिकल फॉर्म पे लगा के। तो हमारी जो पतीली ख़राब है हम उस पर इसको लगाना शुरू करते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मेडिसिन लगा के हम रख लेंगे इस तरह, तो हमारी पतीली जो है पहले से भी ज़्यादा नई और साफ सुथरी सी हो जाएगी और दो मिनटों में साफ़ हो जाएगी। ये देखें, मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कपड़े के साथ कि हमारी पतीली किस तरह अच्छे तरीके से साफ़ हो गई। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल हम नई लेके आए हैं, बिल्कुल इस तरह हमारी पतीली जो है वो साफ़ हो गई है। हमें ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा ज़ोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी पतीली कितनी अच्छी थी, एक बार साफ़ हो गई है जैसे हमने बिल्कुल नई ली है। इसलिए आप मेडिसिन बिल्कुल ना फेंका करें, इसको रखा करें। और अपनी चीज़ें कोई भी बर्तन, पतीली, गिलास आपका जल जाए, कोई भी चीज़ जल जाए तो आप इसकी मदद से अपने बर्तनों को साफ़ कर सकती हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए डे ड्रीम ब्लॉग्स।